प्रतिदिन एक एक पजल सॉल्व करते हुए 501 पजल की इस यात्रा में हम यहां तक पहुंचे, बहुत सारी अलग अलग कुशलताएं भी विकसित हुई। तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में आपको दिया गया है एक चित्र जो आप देख रहे हैं। करना क्या है, इस चित्र में आप कितने रेक्टेंगल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं और गिन सकते हैं। आइडेंटिफाई करना है, गिनना है और बताना है कितने आयत आप देख रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी पजल्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो रोकें, अपने से रेक्टेंगल्स आइडेंटिफाई करें, गिने, उसके बाद मेरा उत्तर देखें। तो चलिए अब देखते हैं मेरा उत्तर। इस तरह की पजल सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक डाइमेंशंस लेते हैं, बेस डाइमेंशंस लेते हैं। उन बेस डाइमेंशंस का सहारा लेकर के हम रेक्टेंगल्स आइडेंटिफाई करेंगे और गिनेंगे। इस चित्र में आप बहुत सारे स्क्वायर्स देख रहे हैं। मान लेते हैं कि सबसे छोटे स्क्वायर की साइड है m। इसका अर्थ है सबसे छोटा स्क्वायर है m into m साइज का। m को आधार मान करके हम रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और गिनती करते हैं। शुरू करें m into 2m। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात बता दूं, ये फिगर सिमेट्रिकल है। रेक्टेंगल्स दो डायरेक्शन में होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम एक साइड की गिनती करेंगे और दो से मल्टीप्लाई करेंगे। m into 2m, 2 plus 4 plus 2, 8 multiplied by 2, 16। हम हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स गिनती कर रहे हैं। नेक्स्ट साइज m into 3m, 1 plus 3 plus 1 multiplied by 2, 10। नेक्स्ट m into 4m, 2 multiplied by 2, 4। नेक्स्ट m into 5m, 1 multiplied by 2, 2। लास्ट साइज 2m into 3m, 2 multiplied by 2, 4। टोटल कितने रेक्टेंगल्स हो गए, 18 हॉरिजॉन्टल, 18 वर्टिकल, 36। मैं चाहूंगा कि आप रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करें। जो ब्रेकअप मैंने दिया है, हर ब्रेकअप का उपयोग करके रेक्टेंगल्स को आइडेंटिफाई करें। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी न्यूमेरिकल एबिलिटी बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन साथ साथ हमारी विजुअल एबिलिटी भी बढ़ेगी। इसी तरह से विविध कुशलताओं का विकास करते करते हम 501 पजल की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में अवश्य मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद।